अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सरों से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट और तीन चार बड़ी खबरें तरावी को लेकर, इमामों को लेकर और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। वैक्सीन को लेकर इंडियन एम्बेसी ने एक नया अपडेट जारी किया है तो उसके अपडेट को भी आपको जान लेना ज़रूरी है ताकि आपको किसी भी तरीके से धोखाधड़ी का शिकार ना हो सकें और आप आसानी से जो है अपने काम को अंजाम देते रहें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन से प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है इमामों के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है वैक्सीन की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन दी जा रही है। तो 5,000 इमाम मुअज्जिन ऐसे हैं जो कि मस्जिदों के अंदर लोगों को वैक्सीन दी गई है। अगर अभी तक आपको वैक्सीन नहीं लगी है और आप एक इमाम है या किसी भी तरीके से मुअज्जिनगिरी करते हैं तो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तुरंत इंशाल्लाह आपको वैक्सीन वगैरह दे दी जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, अच्छी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के मुअज्जिन के हवाले से आ रही है निकल के, सॉरी प्रदर्शन के हवाले से निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है तरावी का 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारी महिला बहुत सारे पुरुष ने जो है इसका प्रदर्शन किया है और इसके विरुद्ध जो है नाराजगी जाहिर की है और इसको जो मांग की है आधा घंटा या पौन घंटे की मांग की है टाइम को लेकर। तो अभी क्या अपडेट आता है इसके हवाले से निकल के, क्या नहीं आएगा, इन फ्यूचर जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर शेयर कर देंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। इंडियन एम्बेसी ने कहा है किसी भी तरीके से आपके पास में फ्रॉड कॉल आता है या किसी भी तरीके से कोई भी लिंक वगैरह आता है तो आपको उनसे सावधानी बरतनी है और कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी जो है फ्रॉड कॉल के थ्रू आपको नहीं देनी है और ना ही किसी लिंक पे क्लिक करके आपको अपनी जानकारी भरनी है। आपको इन चीज़ों से बचना है, नहीं तो आपका अकाउंट वगैरह खाली हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस की रिपोर्ट की निकल गया, 9,232 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हुए हैं 21,78,289, 1544 नए केसेज आए हैं। टोटल केसेज हो चुके हैं 2,25,273, 7 लोगों की मौत हुई है, 1,419 टोटल मौत हो चुकी है। रिकवरी 1,201 की हुई है, टोटल रिकवरी 2,33,757 की हुई है। 1,597 जो है अभी भी एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं वो हैं 235। ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।